भगवत कृपा और हमारे विवेक जी सुझाव पर हम लोग एक ऊंचे से शिखर की चोटी पर बने हुए आश्रम सदस्य ये योग केंद्र में, जहां हमारे इतने अच्छे विद्वान और मृदुभाषी जीएम साहब, शिवाजी, शिव कुमार जी, हमारे डॉक्टर साहब, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार ये सिखाया कि हमें जीवन के किस तरह से अपने स्वास्थ्य को और अपने मन को और अपनी वाणी को हम शुद्ध करके ऐसी स्थिति जिए जिससे हम अधिकतम जीवन प्राप्त कर सकें। हमारी डॉक्टर साहब तिवारी जी ने भी दूध के बारे में बताया और अन्य चीज़ों के बारे में बताया, बड़ा सुंदर ज्ञान, बड़ी अच्छी वातावरण, बड़ा अच्छा यहाँ का स्थान और सबसे बड़ी पूरे स्टाफ, जितना आपका सहकर्मी इतने शिष्ट और सभ्य कि हमें आनंद आ गया। हमें अब जाने में कुछ, अभी पूनम जी कह रही थी कि अच्छा लग रहा है कि अगर और 3 दिन तक रुकते तो आपके ज्ञान का और आपके भावों का हमें लाभ मिलता। हम कमलेश कुमार पाठक कानपुर नगर में अधिवक्ता का व्यवसाय करते हैं और मेरे शुगर था, बीपी था और अस्थमा था। इन 3 मर्जों में हमें बिना दवा के हम केवल आपके बताने के, आपके निर्देश पर व्यायाम, आपके निर्देश पर योगा और आपके निर्देश जो बताया गया वो भोजन प्राप्त किया। हम ये कल्पना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इसी तरह से दृढ़ संकल्पित बनाएं कि हम आपके निर्देशों का पूरा पालन करते रहें। अपने आप में भी संकल्प करते हैं कि हम अपना पूरा पालन करेंगे।